नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आईटीआई परीक्षा 2021 से रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी सबकी नहीं होगी परीक्षा और ये नोटिस भी जारी हो चुका है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज है कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, हमारी एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी। तो अभी केवल इन स्टूडेंटों की एडमिट कार्ड जारी हुई, सारी चीज़ क्लियर करेंगे। और अब की बार आपका जो परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव हुआ है, पिछली बार क्या था कि आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में एग्ज़ाम का सेंटर आया था, पिछली बार निमी करवा रहा था, अब की बार आपका दूसरा बोर्ड है जो आपको पता है वो करवा रहा है। तो थोड़ा ये दिक्कत है, तो ध्यान रखना। तो पेपर थोड़ा सा के चेंज हो के, चेंज कुछ भी नहीं होगा, भाषा वही रहेगा, बस क्वेश्चन को समझने का फेरेगा। तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो, निमी पेटेट पर आधारित वो क्वेश्चन तैयारी करो, साथ ही जो आपकी सीबीटी एग्जाम के है वो क्वेश्चन तैयार करो। इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं हम। पिछले 5-6 ईयर के जो पेपर है उन सारे पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेड थ्योरी के हो, वर्कशॉप के साथ इंप्लीमेंट स्किल या इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ चाहिए तो भी आप डिस्कस में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की पीडीएफ अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हम पॉइंट पे आते हैं कि किस प्रकार क्या है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आईटीआई परीक्षा 2021 सबकी नहीं होगी परीक्षा। तो दोस्तों, अब परीक्षा किन की होगी? तो दोस्तों, परीक्षा उन्हीं स्टूडेंट की होगी 3 सितंबर को जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, यानी पिछली बार जिनके एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम छूट गई थी उनके एग्ज़ाम हो रही है। अब ये भी एग्ज़ाम किनकी हो रही है? सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, यानी जिनका एडमिशन 2018 में था और जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, इन बच्चों का जिन्होंने फीस पे कर दिया था, इनका एग्ज़ाम पहले हो रहा है। ध्यान रखना, जिनका सप्लीमेंट्री बैक पेपर है अभी उनका नाम नहीं आया, कुछ स्टूडेंटों को आ गया लेकिन बहुत कम का नाम आ रहा है। तो कुल मिला के यही है, जो जिन्होंने पेमेंट पहले किया था, क्योंकि इनका पेमेंट पहले किया हुआ था तो इनकी एग्ज़ाम पहले हुई। तो 2018 सीबीटी एग्ज़ाम में जिनका एग्ज़ाम नहीं होता उनका पेपर अभी हो रहा है, जिनका पहले नहीं हुआ था और जिनका होते ही। अब पहले फेज की एग्ज़ाम दे रही है दोस्तों, सबसे पहले पहले फेज के एग्ज़ाम में इनका नाम आ रहा है। अब जैसे इनका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो आप अपने कॉलेज से संपर्क जरूर बनाए रखना, क्योंकि उनसे उनके पास डीजीटी मेल भेज देती है कि पहले फेज में आपके इन स्टूडेंटों का नाम आ रहा है। तो अगर अभी भी आपको एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रही तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करो, उनको पूरा पता है, उनके पास लिस्ट आ चुकी है कि किन बच्चों का पहले फेज में आपकी एग्ज़ाम आपके कॉलेज में लगी। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क बनाओ और उनसे पूछो। साथ ही जैसे इनका फेज ए में 2018 वाले बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही फिर सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का सेकेंड फेज में आएगा, फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आएगा, फिर फर्स्ट ईयर के रेगुलर बच्चों का आएगा, फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री के फर्स्ट ईयर के बच्चे की उनका आएगा। तो इस प्रकार ये नोटिस जारी किया गया आईटीआई में कि इस रिगार्डिंग ये चलेगा। साथ ही अभी बात करें तो अभी केवल इन स्टूडेंटों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। तो अभी दोस्तों केवल 2018 वाले बच्चे जो छूट गए थे उनके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर सप्लीमेंट्री है तो उन बच्चों का, लेकिन सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का पहले फेज होगा लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आप अपने कॉलेज संपर्क बनाओ, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखते हो अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप अपने कॉलेज में संपर्क जरूर बनाए रखना। स्टडी बात है, स्टडी आप करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। आगे परीक्षा केंद्र में हुआ बदलाव। अब दोस्तों, परीक्षा केंद्र में क्या बदलाव हुआ है? पिछली बार क्या था कि आपकी गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई में क्या था, आपका सीबीटी एग्जाम का सेंटर था, लेकिन अब की बार निमी नहीं करवा रहा एग्जाम, दूसरा बोर्ड करा है, तो अपने हिसाब से प्राइवेट सीबीटी एग्जाम के सेंटर लिए, ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर लिए, जहां पर बड़े सेंटर है, जहाँ पर लगभग 200-300 कंप्यूटरों की लैब है, यानी आपकी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम लगती है उस प्रकार का उन्होंने वो लिए हैं सीबीटी एग्ज़ाम के वो सेंटर। तो वहाँ पर लगभग आपके बहुत सारे बच्चों हैं, तभी तो की बार सीबीटी एग्ज़ाम इतनी तेज़ हो रही है कि एक दिन में ही लगभग बच्चों की सबकी एग्ज़ाम हो रही है। तो ये बड़े बड़े शहरों में दी जा रही है, जैसे राजस्थान की बात करूँ, सीकर, जयपुर, ऐसे शहरों में ज़्यादा बड़े सेंटर तो वहाँ पर आए। तो लगभग ज़्यादा नहीं, 50-100 किलोमीटर के एरिया के बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी उनके आसपास के सभी बच्चों का वहाँ पर सेंटर है। तो आप आईटीआई के भरोसे ना रहे कि हमारा आईटीआई में सेंटर आएगा, वहाँ पर कुछ नहीं आएगा। बात करो 2018 वाले बच्चों का, तो उनका सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा है जिनका रह गया था, अब सप्लीमेंट्री तो उनका बाद में होगा। 2019 की बात करूँ तो 2019 वालों की अभी ओनली फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो रही है। आप अपने कॉलेज से संपर्क जरूर बनाए रखना, हमारे पास जैसे ही कोई भी
सूचना आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी हम ओनली पेपरों पर फोकस कर रहे हैं, तो हम पेपरों का जितना हो सके एक दिन में 3-4-5 पेपरों का एनालिसिस कराएंगे। 20 वालों की बात करो, अभी 20 वालों की कोई अपडेट नहीं है। 20 वालों की एग्जाम मैं बता देता हूँ कि जैसे ही अब इनके एग्जाम लग रहा है, इनका 1-2 महीने बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में क्या रहता है, तो इनके साथ आपकी यानी आपकी एग्जाम दिसंबर या जनवरी के लगभग जाएगी, ध्यान रखना 20 वाले की। अब इनमें जो बच्चे रह जाएंगे उनके आपके साथ फिर ये सम्मिलित होंगे। दोस्तों बात करो सेमेस्टर वाले बच्चों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो सेमेस्टर वालों के लिए भी दोस्तों कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आपसे रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप अपनी तैयारी में कसर मत छोड़ो। मालूम है कि आपका 4-5 साल हो चुकी है, आपका भी एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इनका एग्जाम खत्म होता ही आपके भी, क्योंकि आपके लगभग पेमेंट किया हुआ है, तो आपका भी एग्जाम होगा इनके साथ ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर क्लास डालते हैं। तो अब के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू क्लास है, तब तक के लिए थैंक यू।